यार क्या मौज आ रही है, आ रही है कि वैसी भगत कट रहे हैं। अरे साकुरा का सिस्टम रहता है ना यार यहाँ, तो मैंने तो यार दिन में रात में, ओह यहाँ भी साकुरा है पूरा, दिन में रात में ओसाका में क्योतो में हर जगह देख लिया, बढ़िया है एकदम। सही लग रहा है रात को बहुत, किमोनो योनो पहन के डोल रही है पब्लिक, लाइट लगा रही है बहुत कैडी। रात को कितना बढ़िया लगता है ना ये, दिन में भी सही लगता है पर रात को ना लाइटिंग वाइटिंग होती है तो बहुत अच्छा लगता है यार। इन सीजन में तो पूरे जापान में यही चलता रहता है, हर कोई अपना छुट्टी वट्टी मना के बढ़िया साकुरा के नीचे अपना मौज लो। फुल मीटर खैच रखा इतने, कोई नहीं भाई लगा रहा तू भी, भगवान तेरे भी इच्छाएं पूरी करेगा। यहाँ पता नहीं क्या करके मानेंगे यार, ये इंफ्रास्ट्रक्चर कैड़ा ही बन रहा, हर टाइम यहाँ पर कंस्ट्रक्शन होती रहती है हर टाइम। ओसाका को न्यूयॉर्क सिटी से भी ऊपर बना देंगे। ये मार्च का एंड का और अप्रैल का जो स्टार्टिंग का जो वो होता है ना टाइम पीरियड, इसमें जापान में साकुरा खुलता बहुत कैड़ा, मतलब बहुत ज़्यादा फेमस है जापान में। तो जितने भी दोस्त होते हैं परिवार वाले, वैसे ही रेगुलर बेसिस पे ना भी मिले पर ये साकुरा का जो फेस्टिवल सा रहता है उसमें सब जरूर मिलते हैं। मैं तो अपने बहुत सारे दोस्तों के साथ जा चुके, इधर उधर पार्टी वूटी करके आ गया, तो ये भी आती है हर बार। मैंने इसको बोला है साकुरा वगैरह नहीं देखने जा रही इस बार, तो इसको कह रही थी जॉब वॉब में बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, टाइम नहीं मिल पाएगा, बाद में चलेंगे। मैंने कहा हो कतई फौज में लग रही है, तो भी तो ये कह रही थी कि अभी अगले हफ्ते जाएंगे। मैंने बोला था बीच में तो भैया बारिश पड़ जाएगी, और बारिश जब पड़ जाएगी ना तो उसके बाद साकुरा वगैरह सब ढह जाए, क्योंकि बहुत हल्का पत्ता होता है और बारिश पड़ने के बाद ऐसे गायब से हो जाते हैं। करीब ना ना ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, बारिश भी पड़ जाएगी फिर भी साकुरा रहेगा ही रहेगा। तो मैंने कहा लग गई शर्त, तो इसने बोला मैं तो बारिश के बाद ही आ पाऊंगी अगले हफ्ते। मैंने कहा ठीक है, अगर बारिश के बाद अगर साकुरा बच गया ना तो मैं तो जहाँ कहेगी वहाँ खिलाऊंगा, जो मर्जी होगा वो खिलाऊंगा, और अगर साकुरा नहीं रहा तो तू फिर मेरे को खिलाएगी जहाँ मैं जो बोलूँगा। तब मैं हार गया शायद, क्योंकि साकुरा अभी भी बढ़िया खेल रहा है, बारिश होगी तब भी झड़ा नहीं, तो इसको मैं पार्टी दे रहा हूँ अब यहाँ पर। बहुत केला है, स्वाद आ गया, स्वाद आ गया। आज मैं तारो खेच दो, आज मीटर ठान के आई है घर पे, आज मीटर खेच देगी कैडा। ये तो दाब हम दाब भाई, मीट पे मीट पे ले जा रही है, मैं तो पत्ता चाहूँगा सिर्फ, और कुछ कर नहीं सकता यार। नवरात्र चल रहे हैं तो इसलिए नॉनवेज में अवॉइड कर रहा हूँ। आ गया मेरा खाना। ये रेस्टोरेंट है यार यहाँ पर, ये मीट का रेस्टोरेंट है, तो यहाँ पर याकी नहीं को रेस्टोरेंट बोलते हैं इसको, यहाँ पर ये अपने सामने टेबल पे भून भून के खाते हैं, तो इसमें वेजिटेरियन का ऑप्शन नहीं होता कतई भी। चीता पड़ गया, अरे कैसे आग लगा दी। पर सॉस है मेरे पास कई तरह की, पत्ता लगाओ हर सॉस में, आप तो फाइबर ही फाइबर खींचूंगा बट ढीन ठीक। रोबोट आ रहा है प्लेट लेने, इसमें डाल दो। हरामी बैठा रहा, भाग गया, मेरी कटोरी ले गई नहीं क्या। सर
सर्दी वर्दी में ठीक है सिस्टर, अपना हाथ हाथ से सेकते रहो, खाते पीते रहो, मुंह गर्म हो गया बहुत ज़्यादा। ये आई मेरी सब्जियों का सेट, बड़ा सा मशरूम है इसमें शिमला मिर्च और ये पता नहीं ये भी कोई सब्जी है। अब खाएंगे हम भी सॉस लगा लगा के। शिमला मिर्च और ये रहता है चीनों को बोलते हैं जापानीज़ में, इंग्लिश में पता नहीं क्या बोलते हैं, मशरूम रहता बड़े साइज का और ये शकरकंदी भुनी हुई, भुनी मतलब बारबेक्यू करी हुई शकरकंदी बना रही है ना ये, इसके छींटे उड़ते हैं, इसके सफ़ेद कपड़ों पे छींटे लग गई। इस बार आ गया अब दर्द हुआ गंदी प्लेट। जैसे सुशी वाले रेस्टोरेंट में ना साइड में से अपना स्लाइड हो के आती है सुशी, वैसे इसमें भी खाना वाना स्लाइड होके आता है। हाईटेक रोबोटिक रेस्टोरेंट है, थोड़े टाइम बाद तो बिटकॉइन विटकॉइन चलने लगेंगे यहाँ। जैसे नॉर्मल चावल होते हैं ना बासमती टाइप, वो सूखे नहीं खाए जाते, पर जापानी चावल के साथ ये एक अच्छी बात है, ये सूखे भी खाए जाते हैं। भर गया पेट जैसे तैसे, हम चलते हैं घर। ये टोकन नंबर का कार्ड था, ये वहाँ काउंटर पर दे देंगे तो हमारी बिलिंग हो जाएगी। जापान में ना ये बहुत होता है, जैसे बीफ खाने वालों के लिए ना क्यूट सी वो बना देते हैं भैंस या गाय, और चिकन खाने वालों के लिए क्यूट सा चिकन बना देते हैं ताकि खाने वालों को बुरा ना लगे। अरे कहाँ रह गई, थोड़ी सी खरीदारी से भी करनी है यार मेरे को, वो भी देख लेता हूँ एक बार। अरे बेटा फुल भर गया पेट, थोड़ी वॉक सी तो करनी पड़ेगी, लाइन में लग रही है पब्लिक फुल। यार मेरे पास ईयरफोन तो है, मतलब ईयरपॉड्स रहते हैं, और इनका जो केस होता है ना चार्ज करने वाला वो गिर गया मेरा कहीं, तो अब ये किसी काम के नहीं है, तो वो देखना कुछ मिल जाए ऐसा सा कुछ। तो डीजे वीजे बनने का कैड़ा सिस्टम है, पता ही नहीं क्या चीज़ कैसे रहती है सिस्टम। लाख यान का टीवी है यार, 8K का सिस्टम चल रहा है, पर 8K में पिक्चर विक्चर बनने लग गई क्या पता नहीं यार मेरे को। हर बार ऐसे ही होता है, मैं आके सामान वाम देख वेख लेता हूँ, उसके बाद अल्टीमेटली मंगाता है अमेजोन से ही, उसमें ऑप्शन ज़्यादा रहते हैं इसमें ऑप्शन कम है। वो बीट बॉक्सिंग कर रहा हो तो दबा दो। समाज
आज के हर तरफ संगीत का रंगारंग कार्यक्रम चल रहा है फ्री में ही। हर कोई मेहनत करता है यार अपने जीवन में ना बहुत ज़्यादा। मैं तो अब घर आके दाल बना के खाऊंगा। एनीवे जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है ना भगवान कसम भाई कर लीजिए तो थैंक यू है, और जो नहीं कर रखा आराम से कर लीजिए बाद में, कोई आफत ना आ रही है। अच्छा जी फिर मिलेंगे, राम राम।